लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसका पालन क्यों नहीं हुआ और उसमें कौन दोषी है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात बता दें, मैं तो रहा हूँ, लेकिन क्या बढ़िया सिस्टम, माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी मुख्यमंत्री बने, पहली बार बने तो इनका इस्तीफा याद है ना, याद है कि नहीं, मांझी जी का उसी शाम इस्तीफा, उसके बाद आरएन सिंह साहब का इस्तीफा, उसके बाद मेवालाल चौधरी का इस्तीफा, इस बार तो एक नहीं दो दो इस्तीफा। श्रीमान जी पहले क्या करते, नाम तो आपके पास आता है, देखते क्यों नहीं है, लेकिन है क्या, वो रहते कि भाई हमारी इमेज ठीक है, अपने इमेज क्या है आज सब आप देख रहे। आज आप देखिए बिहार में जो स्थिति है जी, हम तो घूम रहे हैं, जाके देखिए एक सड़क अपन को ग्रामीण इलाके में बता दी, उनको जाते थोड़े हैं, अपने में एक ठीक नहीं है, चाहे जितनी भी नल जल का स्कीम है सब टूट टाट के बराबर हुआ पड़ा है, पानी सब तो है, कहे ऐसा हो रहा है, क्योंकि 2020 में जनता ने एक जनादेश दिया, आपको मुख्यमंत्री बनाया, एक संगठन एक गठबंधन को बनाया, और आप मुख्यमंत्री बने रह गए, लेकिन पार्टनर तो ये लोग के साथ, ये लोकतंत्र है और इसमें ताकत जनता के पास होती है, लेकिन जनता आपको एक्स के लिए वोट करती है और अपने मन से बाई की तरफ जाते हैं, तो निश्चित रूप से जो एक मोरल जो होता है आदमी का गवर्न करने का, वो लूज कर, और यही जो है ये चीजें बाहर आपको देखिए बहुत आसानी से लोन ऑर्डर की बात करते हैं। पटना का ही हाल मैंने पिछले बार कहा था, भाई कोतवाली थाने में चढ़ करके DSP को धमकाए गए लोन ऑर्डर की बात। पटना जिले में बालू को लेकर के क्या हुआ, पूरा का पूरा बिहार में शराब और बालू को चलते क्या हो रहा पता है ना आपको, पूरी की पूरी पैरेलल इकोनॉमी बन गई है, ये पैसा सब कहाँ जा रहा है, तो समाज सेवा लोग कर रहे हैं, ये सारे के सारे पैसे का जो है कहाँ दुरुपयोग हो रहा है, आप देखिए ना क्या हुआ, AK-47 चल रहा है जी और कानून का राज बोल रहे हैं, ये मत ही 2005 2006 2007 2010 तक किसी को भी AK-47 चला नहीं, बिहार में पुलिस चला सकती, 2017 जी नहीं, उसको सुधारने की जरूरत, और सरकार के पास जो ऑप्शन है तुरंत उस पर कार्रवाई करना चाहिए। देखिए पूरा का पूरा जो शहरी निकाय क्षेत्र है, आप पटना को ले लीजिए, गया को ले लीजिए, राजीव को ले लीजिए, बिहार से को ले लीजिए, वैसे ही इतनी गंदगी का माहौल है, इतना डेंगू फैला हुआ है, अब पूरा का पूरा जो है इसके चलते अब चुनाव लटक गया। देखिए जितनी गंभीरता से उसको लिया जाना चाहिए था उसको नहीं ले रहे हैं, और बिना वजह सिर्फ बात को डाइवर्ट कर रहे हैं, तुरंत जो भी कार्रवाई करनी है सरकार को करनी है, उसको जो भी एक्शन लेना है वो लें, और एक समय अवधि के अंतर्गत चुनाव करें। उनको कितना ज्ञान है ना, तो सब बिहार में सुप्रीम कोर्ट जा रही है। देखिए दो चीज भाई, कोई उच्च न्यायालय के आदेश है, सरकार स्वतंत्र है, सुप्रीम कोर्ट जाने